गुरु मंत्र विद दाती महाराज यूट्यूब का यह मेरा चैनल है और यूट्यूब के सभी दर्शकों को दाती महाराज का नमन है। मित्रों, बड़ी प्रेम से मैंने गुरु मंत्र विद दाती महाराज आपके लिए बनाया है। यदि अभी तक आपने गुरु मंत्र विद दाती महाराज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी होगी, आप वहाँ देखो वहाँ घंटी बेल है, उस बेल को जरूर बजाएं जिससे आपको मेरा हर वीडियो नया मिलता रहे। 2018 में बहुत कुछ आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप चाहते घर बैठे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो तो गुरु मंत्र विद दाती महाराज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे कि आपको वो सब कुछ मिले जो मैं आपको देना चाहता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण चाहते हैं, नमो नारायण। नमो नारायण। 29 जनवरी 2018 और सोमवार का दिन। क्या पारिवारिक जीवन परेशानियों से घिरा हुआ है? क्या आप शादीशुदा है और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है? हमेशा पारिवारिक जीवन में कलह का सामना करना पड़ता है, घर में अशांति रहती है, भाग्य उन्नति नहीं हो रही है और प्रयासों के बावजूद भी जीवन में सफलता नहीं है, या फिर यूरिनल की कोई प्रॉब्लम है, मूत्र विकार है, इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान है आज का गुरु मंत्र नमो नारायण। नमो नारायण मित्रों, नमो नारायण। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। हृदय के भावों को लेकर आया हूं, खाली इतना कहना चाहता हूं कि भयभीत होने की जरूरत नहीं, देवादि देव शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है। बस थोड़ा सा मुस्कुराइए और इन आंखों में देखिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहे। मित्रों ने सवाल किया कि दाती महाराज शादीशुदा जिंदगी में सुख नहीं है, पारिवारिक जीवन में कलह रहता है, हमेशा घर में अशांति बनी रहती है, क्या करें? मित्रों, यदि छोटे बड़ों का आदर करें और बड़े छोटों से प्यार करें, वैचारिक समन्वय बहुत जरूरी। इस भागदौड़ की जिंदगी में रिश्तों की कदर नहीं रही है, रिलेशन रिश्ते महत्वपूर्ण है और इनका आदर करना चाहिए। यदि आपके जीवन में वैवाहिक जीवन परेशानियों से भरा हुआ है तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाने, 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में गले में धारण करिए सोमवार। ये रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बड़ा सुंदर है। हर रोज रात्रि में रुद्राक्ष को निकाल कर लाल कपड़े में रखकर पूजा घर में रख दी, सुबह नहा धो के उठिए, नित्यक्रम स्नान उपरांत प्रभु भगवान शिव के शिवलिंग पर जल गंगा जल पंचामृत से अभिषेक करिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, थोड़ा सा दही डाल दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करिए, तत्पश्चात पुनः रुद्राक्ष को गले में धारण कर लीजिए, जीवन में परेशानी नहीं आएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं सोमवार के पंचांग की। माघ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, आज सोम प्रदोष व्रत है, अद्भुत है आज का दिन। जीवन की परेशानियों को निवारण करने के लिए प्रदोष व्रत रखना और पूजा और आराधना करना बड़ा शुभ माना। माघ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, विक्रम शुभ 2074 सोमवार का प्रातकालीन नक्षत्र आद्रा नक्षत्र चंद्रमा मिथुन राशि में। बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 29 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह तो दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 29 जनवरी आपका जन्मदिन है और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ा, भाग्य उन्नति नहीं हो रही है, प्रयासों के बावजूद भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो,
हर रोज नित्य कर्म एवं स्नान उपरांत भगवान शिव का ध्यान करते शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। जिस भी इष्ट की आप आराधना करते हैं ना, उसमें समर्पण बहुत जरूरी है। हृदय के समर्पण के साथ शिव गायत्री का जाप करते हुए कच्चा दूध अर्पित करिए और वहीं बैठकर मृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करिए और 108 बेल पत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर आप लगातार कुछ दिन करके देखिए, जीवन में एक नई दिशा मिलेगी, जीवन में एक नया सवेरा होगा। नमन आ रहे चंपावन राष्ट्र को हृदय से एक मैसेज देना चाहता हूं। 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनि धाम शनि तीर्थ चित्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनिधाम आने और पुनः छतरपुर मेट्रो स्टेशन छोड़ने के लिए निशुल्क बस सुविधा है आपके लिए। आइए शनिधाम करिए दर्शन कि आपका कल्याण हो। ये निशुल्क बस सुविधा के आर मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों ने आपके लिए की है। नमन आ रहे अगला कदम सितारों की ओर और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए बात करूंगा सोमवार की राशिफल। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों, तीसरे भाव से चंद्रमा गोचर कर रहा है आज का समय बड़ा उत्तम है। आर्थिक स्थिति उत्तम होगी, आय के नवीन स्रोत खुलेंगे, कुटुंब परिवार में सुख और सहयोग बढ़ेगा, अतिथि सत्कार का लाभ होगा, घर में शुभ कार्य संपन्न होंगे। ना बना रहे क्या करें, सहकर्मियों को विश्वास में लेकर काम करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या ना करें, व्यर्थ की का सुनने में समय नष्ट ना करें। ना मना रहे और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि व्यवसायिक उलझने दूर होगी, परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, जिस तरह के घरे योगायोग है धन की प्राप्ति होगी, समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। खर्चा अपनी आय को देख के करना चाहिए, मैंने ताते पाव पसारिए जाते लंबी सौड़। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आज सचेत रहे तो दिन सारा खुशियों और सुकून से बीतेगा। ना मना रहे क्या करें, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने का थोड़ा सा प्रयास बढ़ा दीजिए। क्या ना करें, व्यर्थ के विवादों को अपने ऊपर हावी ना होने दे। ना मना रहे और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, लगन से गोचर कर रहा है चंद्रमा और सितारों की चाल आपके पक्ष में करवट ले रही है, मनोकामना पूर्ण होगी, आर्थिक स्थिति उत्तम होगी, भूमि और भवन का लाभ मिलेगा, विशेष कार्य में सफलता मिलेगी, पारिवारिक अनुकूलता से प्रसन्नता बढ़ेगी और यात्रा बड़ी सफल रहेगी। ना मना रहे क्या करें, वरिष्ठ लोगों से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें, राजनीतिक जोड़ तोड़ में न पड़े तो आज बड़ा अच्छा रहेगा। ना मना रहे मैं इस वृषभ मिथुन की बात करी, कर्क सिंह कन्या की बात करूं उससे पहले सोमवार का राहु काल और सोमवार की यात्रा। सोमवार का राहु काल प्रातः 7:30 लेकर 9 तक और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी, दबाव नहीं मेरा, मैंने खाली प्रयास करता हूं कहीं काम आ जाऊं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। और बात करते हैं आज की यात्रा। पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से उचित मानी गई, लेकिन मेरा कहना है कि समय और साधनों में बड़ा परिवर्तन हुआ है, समय और साधनों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। आप चारों दिशाओं में किसी भी दिशा में यात्रा करिए, लेकिन सोमवार के दिन महादेव का ध्यान करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पित करें और दर्पण में मुंह देखकर कुमकुम और केसर का तिलक करिए और यात्रा पे निकलिए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमन में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, चंद्रमा 12वें भाव से गोचर कर रहा है, गोचर में चंद्रमा जब भी 12वें भाव से गोचर करता है तो अनुकूलता का संकेत नहीं देना, सितारों की चाल प्रतिकूल नजर आ रही है। कार्य करने की शैली और जिस तरह का आज आपका काम का तरीका है इसे परिवर्तन करना पड़ेगा, अन्यथा भागदौड़ और परेशानी बढ़ सकती है। यदि दैनिक दिनचर्या के प्रति लापरवाही बरती, स्वास्थ्य और खान पान के प्रति नियमित नहीं रहे तो
हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकती है। कर्क राशि वालों, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करना, गोचर अनुकूल नहीं। आज थोड़े बहुत यदि काम बनाना चाहते हो तो वाणी की अनुकूलता बनाए रखना, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक गोचर थोड़ा सा सावधानी का है। थोड़ा छोटा सा उपाय, आज श्रद्धानुसार चावल, कच्चे चावल किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट कम आए। क्या करें, स्वजनों को, अपनों को थोड़ा सा सहयोग करिए, अच्छा रहेगा। क्या ना करें, आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। नमोनयन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, ग्यारहवें भाव का चंद्रमा है और लाभ मिलेगा, परेशानी से मुक्ति मिलेगी, सफलता दामन चूमेगी और अपनों से बड़ों का पूर्ण सहयोग और प्यार भी मिलेगा। व्यवसाय में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, मित्रों से नवीन वस्त्र आभूषण उपहार की प्राप्ति होगी, व्यवसायिक यात्रा शुभ और मांगलिक होगी और मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। क्या कह रहे, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ा सा सजग रहिए, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है। क्या ना करें, किसी से भी कटु वचन ना बोले। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, सितारों का संकेत लेकर दशम भाव का चंद्रमा, समय उत्तम और लाभ से भरा हुआ नजर आ रहा है, संपूर्ण प्रयत्न सफल होंगे, प्रयासों की सराहना होगी, व्यवसायिक लेन देन में लाभ होगा, बिगड़े हुए कार्य बनेंगे और धन लाभ होगा, भूमि वाहन के सौदों में विशेष लाभ के योग है, माता पिता का पूर्ण सहयोग बना रहे। क्या करें, आज बुजुर्गों की आज्ञाओं का पालन करना आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही मंगलकारी है, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें। क्या ना करें, स्वजनों के हित की अनदेखी ना करें, न मना रहे। कर्क सिंह कन्या की बात करी, तुला वृश्चिक धनु की बात करूं, उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह, जिस भूखंड के दक्षिण या पश्चिम में पहाड़ हो या ऊंची चट्टाने हो, उस पर भवन निर्माण करना वास्तु शास्त्र अनुकूलता का संकेत देता है, इसको जरा देख लेना। नमोनमः। और बात करते सुझाव की। आज सोमवार का दिन है और 12 के 12 राशि के लोग गुड़ और बेल का फल भगवान सूर्य को भोग लगाए तो सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ये अद्भुत सुझाव है, मानो न मानो आपकी मर्जी। और बात करते तुला राशि। तुला राशि वालों, चंद्रमा नवम भाव से है और नवम भाव का चंद्रमा आपको संकेत दे रहा है कि अध्यात्म रुझान बढ़ेगा, पिता और पिता तुल्य लोगों की वजह से आज आप परेशानियों से मुक्त होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, घर में धर्म और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, यात्रा भी होगी, लेकिन विशेष कार्यों के प्रति थोड़ी सी जल्दबाजी न करें और पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमोनमः। क्या करें, कोई भी कार्य करें पारिवारिक रजामंदी से करें, क्या न करें, साझेदारी के कार्य में मन मुटाव न करें। नमोनमः। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, सितारों की चाल ये संकेत दे रही कि अष्टम भाव का चंद्रमा है, अष्टम भाव का चंद्रमा ये संकेत दे रहा है कि भाग्य आपके पक्ष में आज करवट नहीं ले रहा है, सावधानी अपेक्षित है। आज के दिन संयम और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, खर्च पर काबू रखना होगा, भोग विलास की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा, ध्यान रखना। वृश्चिक राशि, विरोधी पक्ष हानि पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा है, वो प्रयास करेगा, इसलिए सावधानी अपेक्षित है और लंबी यात्रा भी आज आपको नहीं करनी है। सुबह से लेकर शाम तक गोचर यही संकेत दे रहा कि सावधानी अपेक्षित, छोटा सा उपाय, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, हनुमान जी का ये अद्भुत मंत्र, या ओम हम हनुमतये नमः, इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप करते हनुमान जी के सिर चरण में 108 सिंदूर, 108 चुटकी सिंदूर अर्पित करना आज के दिन बड़ा शुभ रहेगा। नमन आ रहे। क्या करें, बहुत जरूरी अपने क्रोध पर थोड़ा सा काबू रखना, बड़ों की बात मानना आज बहुत जरूरी, क्या ना करें, भाई बंधुओं से कलह ना करें। नमन। और बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों, समय आपके लिए अनुकूल और सफलता सा भरा हुआ संकेत है,
कार्य व्यवसाय में नवीनता से इस लाभ की प्राप्ति होगी। देश विदेश के कारोबार में लाभ मिलेगा। आयात और निर्यात के कार्य में उत्तमता बनी रहेगी। धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। और आज अपनों का प्यार, पैसा और प्रसन्नता भी मिलेगी। व्यवसाय की यात्रा बड़ी सुखद है, न मना रहे। क्या करें? अवरुद्ध जो रुके हुए कार्य है उनको पूरा करने का प्रयास करें। क्या न करें? प्रियजनों से कटु न बोले, न मना रहे। तुला वर्षिक धनु की बात करी, मकर कुंभ मीन की बात करूं, उससे पहले आज का उपाय और अद्भुत देसी नुस्खा। उपाय, यदि प्रयासों के बावजूद भी, लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको शिक्षा के में सफलता नहीं मिलती, या आपने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रखी है, अच्छी पढ़ाई कर रखी, अच्छी डिग्रियां ले रखी, हर दृष्टिकोण से आप ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बेरोजगारी आपका पीछा नहीं छोड़ी, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे, तो ये उपाय आपके लिए ठीक रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र साधवी की पौधे की जड़ लेके आई, लकड़ी से खोद के लेके आ जाए, जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करिए, सुदासन पे रख दीजिए, कुमकुम केसर का तिलक करिए, श्रद्धापुर पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, केसर से तिलक पुनः करिए, रुद्राक्ष की माला पर ओम अनंत नित्याय नमः की 5 माला जाप करें। जाप के उपरांत इस जल को लाल कपड़े में लपेट ताबीज का रूप देकर गले में या दाहिने हाथ में बांध दीजिए। बड़ा सुंदर सकारात्मक विचार रहेंगे और कार्य में सफलता मिल जाएगी। नमन बात करते हैं नुस्खों की। आज की नुस्खे, यदि मूत्र विकार है, बहुमूत्र रोग है, तो अधपके केले को धीमी आंच पर भून लें, थोड़ा सा काला तिल और शहद मिलाकर दिन में 3 बार इसे सेवन करें। बड़ा सुंदर नुस्खा है, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखा देना भाई। नमूना। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, गोचर ये संकेत दे रहा है कि शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी और शास्त्र और पराक्रम के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी और शुभ समाचार मिलेंगे। मकर राशि, गोचर कह रहा है कि बिगड़ी हुए कार्य बनेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। एक जरूरी बात है और वो है, आज के दिन किसी निर्धन को मत सताना, बस इस बात का ध्यान रखना भाई। नमो नारायण। क्या करें? भाई बंधु और मित्रों की मदद करें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। नमो नारायण। बात करते हैं कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वालों, गोचर मध्यम है, बस संयम और थोड़ा सा धैर्य से काम करें, आवश्यकता की पूर्ति होगी। शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति पाना आवश्यक होगा आज के दिन। गोचर कह रहा कि परिवार का साथ मिलेगा, परिवार सदस्यों की वजह से कष्टों से छुटकारा मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, लेकिन परिवार और संतान के साथ समय व्यतीत करना बहुत जरूरी है। कुंभ राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें? आत्मविश्वास को बनाए रखें। क्या ना करें? अपना निर्णय दूसरों पर ना छोड़े, ना मना रहे। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, गणनाओं की बात कर रहा हूं, चौथा चंद्रमा है और ग्रह गोचर अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे हैं। कार्यक्षेत्र में अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, परिजनों से अनबन और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। व्यर्थ के दिखाव से बचना बहुत जरूरी, किसी के बहकावे में न आए और धन के खर्च पर नियंत्रण रखे तो बेहतर होगा। सुबह से लेकर शाम तक गोचर अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा, सावधानी अपेक्षित है। आज ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। किसी गरीब निर्धन स्वाघन स्त्री को पीले वस्त्रों का दान देना बड़ा अच्छा रहेगा, न मना रहे। क्या करें? कार्य के प्रति ईमानदार रहना बहुत जरूरी। क्या ना करें? भूमि और वाहन संबंधी कार्य न करें, न मना। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, मेरा अनुभव था, सेकेंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है, आपके पास था और आपके पास रहेगा। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा, पारिवारिक समस्याओं का निवारण कैसे हो, पूजा और मंत्र बताऊंगा। जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमन आए। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज
पारिवारिक समस्याओं का बहुत सामना करना पड़े, परिवार में सुख शांति नहीं, अरे भाई महादेव को मनाए। रात तो सोमवार का दिन, आज के दिन ये पूजा प्रारंभ करें, लगातार 40 सोमवार करें। आज के दिन नित्य कर्म नियो स्नान उपरांत भगवान शिव का श्रद्धापूर पंचविचार पूजन करें, जल गंगा जल पंचाभिषेक से भगवान शिव का अभिषेक करें, 21 बेलपत्र तीनों दलों पर पीले चंद्र से ह्रीम लिखे और ओम काल कालाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा, सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमः नारायण। और बात करते जीवन मंत्र के। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, प्रेम परिवार की जरूरत है, जिंदगी का केंद्र प्रेम है। जिनके जीवन के केंद्र में प्रेम हो उसकी मदद ईश्वर भी करता है। जीवन में प्रेम के जाता या शांति प्रवेश कर जाती, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए प्रेम को पकड़े रही, प्रेम में डूबे रही, भला होगा। समय है प्रभु के दर्शनों का, और दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमः नारायण। जय शनि देवा, हरि ओम तत् सत्, 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 जय शनि देवा। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान की श्री चरण में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय मंगलवार का राशिफल। यदि दुर्घटनाएं हो रही हो तो उसका निवारण कैसे हो, पूजा और मंत्र। जीवन में तो सुझाव देसी नुस्खे उपाय और वास्तु सलाह लेकर हूं, लेकिन आज अपनी गलती अपने गुनाह और अपनी भूल की माफी मांगती हूँ, अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।